गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आप कंप्यूटर में डे बाय डे डायरी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे, कौन सा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप डे बाय डे ट्रांजेक्शन को उसमें रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या मान लीजिए कोई बिजनेसमैन हो और आपको कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है, इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने कॉपी और पेन का सहारा लेते हैं और डेली उसको नोट डाउन करके रखते हैं। तो ऐसा एप्लीकेशन कंप्यूटर में मौजूद है जिसके मदद से आप अपने डे बाय डे का जो भी आपको मेमोराइज करना है, मतलब आपको याद रखने वाला चीज है, वो आप उसमें रख सकते हैं। तो क्या है वो एप्लीकेशन और कैसे हम लोग इसको डायरी बनाएंगे, आज के टॉपिक में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर में आप डायरी कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी अगर हम लोगों को याद रखना हो या कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट नोट्स हो जिसको हमको लेखा जोखा करना हो तो हम लोग इसमें सबसे नोटपैड में चले जाते हैं और इसमें हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टुडे, ऐसे डेट लिख देते हैं टुडे, और यहाँ पर हम लोग डेट मेंशन कर देते हैं 10 सितंबर 2024, और यहाँ पर हम लोग उसका मेंशन कर देते हैं कि किस पर्पस के लिए हमको याद रखना है। मान लीजिए वो हो सकता है कि आपको किसी पार्टी को कल पेमेंट करना हो, या मान लीजिए किसी पार्टी से आपको मिलना, मुलाकात करना हो, मीट करना हो, तो आप उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से नोटपैड में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो टाइमिंग और डेट है ये आपको मेंशन करना पड़ता है ना, और ये काम भी सही ढंग से नहीं करता है। हर बार आपको वो डेट, कभी आप डेट लिखने भूल गए तो, है ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे जिसके लिए हम बहुत ही अच्छा ढंग से हम डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग नोटपैड एप्लीकेशन का ही यूज करेंगे। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि अच्छा सा आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड में चले जाएंगे और नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक टाइटल लिखना है, लॉग, ये लॉग लिखेंगे बस। आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको ये डॉट लॉग लिखना है और फाइल में जाके इसको सेव एस करना है, और सेव एस में आपको यहाँ पर नाम टाइप करना है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ डेली नोट्स, ये टाइप कर देता हूँ और देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। और कहाँ सेव करता हूँ, इसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, यहाँ से सेव में क्लिक कर देता हूँ। बस अब ये सेव हो चुका है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आपको डेली नोट्स नाम का यहाँ पर एक नोटपैड एप्लीकेशन तैयार होके आ गया है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर टाइम और डेट दोनों शो कर रहा है कि आप किस टाइम को और किस डेट को आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मुझे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे आई मीट टुमारो टुमारो मिस्टर संदीप, ये लिख दिया मैंने, आई मीट टुमारो मिस्टर संदीप, ये एक एप्लीकेशन, ये हो गया। इसको सेव कर दो, मुझे कल संदीप, मिस्टर संदीप से मिलना है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे फिर से आप इसको ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 9:30 में मैंने लिखा था, यहाँ देखिए 9:31 आ गया। कल खोलिएगा तो कल का डेट शो होगा, मतलब आपका सिस्टम में जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो ये कमाल का एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके आप बेहतरीन तरीके से अपना डेली नोट्स को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।